नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक पैट ओनली टेक। और दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे मिलता है, किन को मिलता है। और ये जो टॉपिक मुझे भेजा है, ये भेजा है हनी चौधरी ने। अब इसमें टॉपिक की बात कर लेता हूं। देखिए, हम एक नए तरह का कुछ करने की सोच रहे हैं अपने चैनल पे। अगर आपके भी दिमाग में कोई टॉपिक है और आप चाहते हैं कि उस पर मैं एक कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और ये जो मुझे मैसेज किया, ये किया है हनी चौधरी ने। ये एक कॉमेडियन है, इनका खुद का यूट्यूब पर हनी चौधरी के नाम से चैनल है, और अपने जो है सब्सक्राइबर भी, अपने दोस्त, अपनी फैमिली के मेंबर भी है। तो अगर आप भी मुझे ऐसा कोई टॉपिक भेजेंगे, अगर मुझे टॉपिक रेलेवेंट लगेगा, तो मैं उस पर एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उनको एक अच्छा सा शाउट आउट भी मेरे चैनल पर मिलेगा। तो चलिए यार, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो देखिए, नाम में ही जाहिर हो रहा है, क्रेडिट मतलब कि लोन, कार्ड यानी कि एक ऐसा कार्ड जो लोन पे मिला हुआ है, ओके। और ये एक तरीके की प्लास्टिक मनी है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भाई, जब डेबिट कार्ड था तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, मैं बता देता हूं इन दोनों में फर्क क्या है। डेबिट कार्ड हमारे किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, यानी कि आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा के बैठे हुए हैं, उसमें आपने पैसा जमा करा रखा है, तो वहां से लिंक होगा आपका डेबिट कार्ड, जिसको हम एटीएम बोलते हैं। और जब एटीएम से कुछ हम शॉपिंग करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, या एटीएम से पैसा निकालें, तो जितना पैसा हमने निकाला या कहीं खर्च किया, एट ए टाइम हमारे बैंक से कट जाता है। यानी हमारे बैंक में जितना पैसा है, हम उतना इस्तेमाल करेंगे और हाथों हाथ वो कट जाएगा। बट क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट आपकी सेट की जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा लिमिट कैसे सेट की जाएगी। तो जितने आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, सपोज 50,000 लिमिट है, 1,00,000, 1.5, कितनी भी हो सकती है, उस लिमिट तक ही आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप कैश भी निकाल सकते हैं एटीएम से, आप कहीं भी उसको ऑनलाइन पेमेंट के लिए काम में ले सकते हैं। अब क्या होगा कि ये जो पैसा है, इसको अभी देना नहीं है ना, हमने अभी बैंक को दिया है, क्योंकि तो उधार है ना, उधार की प्लास्टिक मनी है एक तरीके से ये। तो ये पैसा क्या होगा, जब आप एक महीने बाद इसका बिल जनरेट होगा, और बिल जनरेट जब होगा, तो बिल आपके नेट बैंकिंग में ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, या आपके घर पे आ जाएगा, जो आपने परमानेंट एड्रेस आपका दिया है, ठीक है। उस बिल को भरने के लिए भी आपको 20 दिन के आसपास का टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल एक तरीके से, इस तरीके से मान सकते हैं इसको, कि आज हमने पैसा तो खर्च कर दिया और हमें चुकाना ये 50 दिन के अंदर है। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड मिलता किन किन को है। तो देखिए भाई, अगर आप सैलरी आती है, यानी कोई काम करते हैं आपको सैलरी आती है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो आपको भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, या फिर आप कुछ काम नहीं करते, या कुछ ऐसा काम है जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, इनकम आप प्रूफ नहीं कर पा रहे, मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट मांगेंगे, मान लो जैसे आप जाओगे बैंक में, आपने कहा सर मैं तो सैलरी पे काम करता हूं, तो सैलरी को प्रूफ करने के लिए कुछ चाहिए, बिजनेस को प्रूफ करने, आपके पास कुछ ऐसा साधन नहीं है, तो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। वो भी मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा, ठीक है। आप दोनों को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अब बात करते हैं कैसे मिलता है। तो देखिए, ऑफलाइन भी आप किसी भी शाखा में जाके ले सकते हैं, किसी बैंक की शाखा में, या आप उसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, डॉक्यूमेंट आप जारी दे दोगे, तो आपने जो परमानेंट एड्रेस दिया, वहां पर आपका क्रेडिट कार्ड आपको जो है मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया, ना तो मैं सैलरी पे हूं, ना मैं कोई बिजनेस करता हूं, या मैं कुछ पैसा कमाता भी हूं, तो उसको मैं प्रूफ नहीं कर सकता, स्टूडेंट, उनको कैसे मिलेगा? तो उनको मिलेगा बैंक में, आप एक एफडी करा दीजिए, ठीक है। अगर मान लो आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक, कोई सा ही बैंक है, उसमें मैंने एक एफडी कराई हुई है 50,000 की। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट 10 साल के लिए, तो उसके बेस पर भी मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यानी 50,000 की अगर मेरी एफडी है, तो 30,000-40,000 का तो मुझे क्रेडिट कार्ड मिल ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको एफडी करानी पड़ती है, और जो सैलरीड है, जो बिजनेस है, वो अपना इनकम प्रूफ दिखा देते हैं, तो उनको इस तरह क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट क्या है। तो पहला बेनिफिट कि क्रेडिट कार्ड से जब हम पेमेंट करते हैं, किसी शॉप पे जाके, किसी शोरूम पे जाके, तो हमें कई तरह की छूट मिलती है। सपोज उदाहरण के लिए, आपने एलजी का एसी खरीदना है, तो आप एलजी का एसी खरीदने जब जाओगे, तो आप पूछोगे कि सर कोई छूट वगैरह है, तो वो आपसे एक ही बात पूछेगा कि आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है। और आपने कहा कि सर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, सपोज एचडीएफसी का, तो आपसे कहेगा ठीक है आप कर दीजिए, इससे आपको ईएमआई ऑप्शन मिल जाएगा बिना किसी इंटरेस्ट के। यानी आप ईएमआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, एसी आपने घर पे ले लिया, आपको कई तरह की छूट मिलेगी, कई तरह के रिडम पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं।
तो एक तो यही बेनिफिट है। दूसरा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां भी आपको कई तरह के एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और कई जगह इसमें छूट भी मिलती है। आपने देखा होगा कई बार फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह पे लिखा होता है कि इस बैंक अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 10% छूट मिलेगी या 5% छूट मिलेगी। तो एक तो बेनिफिट यही है, दूसरा हमें कैश कहीं लेके नहीं जाना पड़ता, जेब में एक प्लास्टिक कार्ड पड़ा है उससे हम कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर वो तो एटीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना एटीएम में हमारा पैसा है तो कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से हम जब भी कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा नहीं है, हमने उधार लिया हुआ है। ओके, अब इसमें एक चीज और भी है, एक बेनिफिट ये है कि मान लो हमें कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी और हमारी एक थिंकिंग है कि हम किसी से पैसे मांगते नहीं है, तो हम इससे एटीएम से पैसा भी निकाल सकते हैं। एटीएम में जाएं, क्रेडिट कार्ड से हम कैश भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड यूज करें, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि क्रेडिट कार्ड अच्छा रहता है। अब बात करते हैं कि फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है। तो मैं आपको बता दूं, नुकसान वो है अगर आप इमरजेंसी में कभी एटीएम से कैश निकाल के खर्च कर देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जब आप कैश निकालेंगे उसी दिन से आपके ऊपर जो है पेनल्टी बैंक लगाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो आपको महंगा पड़ सकता है। पहला तो ये एक डिसएडवांटेज है, तो कभी भी आप इस तरह से कैश ना निकालें, इससे सिर्फ शॉपिंग करें। अब जब शॉपिंग करते हैं वहां पे क्या नुकसान है, तो वहां पे मैं आपको नुकसान देता हूं। वहां पे नुकसान ये है कि अगर आप लापरवाह है, भुलक्कड़ है, यानी कि आपके बिल आ गया और बिल आपको टाइम टू टाइम पे करने की आदत नहीं है, आप भूल जाते हैं, तो ये मोटी पेनल्टी लगाता है बैंक आप पे, तो वहां आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप रेगुलर बिल पे करेंगे टाइम टू टाइम, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब बात करते हैं कि भाई इसका कोई चार्ज वार्ज लगता है, तो देखिए ऐसा है कि जब भी आप इश्यू करवाएंगे किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड, तो इसकी एक एनुअल फीस आपको वहां पर देनी पड़ती है। हालांकि कई ऐसे बैंक हैं जो वेव ऑफ भी कर देते हैं, उनका कुछ सिस्टम होता है कि आप इतने हजार रुपए की शॉपिंग इतने महीने में कर लेंगे तो आपको वेव ऑफ हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं किसी बैंक का, तो पहले गूगल पर जाएं और क्रेडिट कार्ड कंपेयर लिखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी ओपन हो जाएंगी जो क्रेडिट कार्ड को कंपेयर करेंगी, तो आप सारी के सारे टर्म्स कंडीशन पढ़ लें, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां आपको क्रेडिट कार्ड देने के चक्कर में नए नए लुभावने ऑफर भी लाती रहती है। तो आप पहले पूरी तरह से पढ़ लें और क्रेडिट कार्ड को तभी इस्तेमाल करें। अब यहां पर एक और भी नुकसान है क्रेडिट कार्ड को, मैं बता देता हूं। अगर क्रेडिट कार्ड खो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड आपका खो गया, अब किसी ने वहां पे नेशनल पेमेंट करने की कोशिश की, तब तो भैया आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर किसी ने इंटरनेशनल पेमेंट कर दिया तो ओटीपी नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखें अगर कोई क्रेडिट कार्ड आपका खो गया, किसी को मिल गया, उसने क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट कहीं किया, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आएगा, उसको बस आगे वाला नंबर और पीछे का सीवीवी नंबर डालना पड़ेगा और उसका पेमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, तो कार्ड को बहुत केयर से रखना पड़ता है, अगर खो जाए तो इसे तुरंत की तुरंत ब्लॉक कराना पड़ता है। तो ये उसके कुछ नुकसान थे, फायदे मैंने आपको बता दिए कि काफी डिस्काउंट आपको मिलेगा जब भी आप होटल बुक करोगे, ऑनलाइन शॉपिंग करोगे या फिर किसी शोरूम से जाके भी सामान खरीदोगे और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे। तो एक तरीके से ये है कि ये जो आप बात करते हैं इसकी लिमिट की, कि भाई लिमिट हमें कैसे मिलेगी, तो देखो ऐसा है आपकी सैलरी कितनी है इस पे डिपेंड करता है, आप कितना पैसा कमाते हो आपकी अर्निंग पर डिपेंड करता है, या फिर अगर आप उस केस में लेते हैं एफडी वाले में, तो आपने एफडी कितने रुपए कराई है उस पर ये डिपेंड करता है। फिर बैंक का एक पूरा एक गणित का फॉर्मूला होता है, इस गणित के फॉर्मूले के हिसाब से जो है आपकी लिमिट सेट की जाती है। दूसरी बात, आप जब पहली बार क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको लिमिट कम मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको रेगुलर यूज करते हो, टाइम टू टाइम पेमेंट देते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो टाइम के हिसाब से जो आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज भी होती जाती है। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड के बारे में ये सारी बातें ही बताने लायक थी, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन वो मुझे नहीं लगा कि बताने लायक है। फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं योगी योगेंद्र फिर किसी नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।